की महाशक्ति बनने का सपना भारतीय 1990 के दशक से देखते आ रहे हैं। पिछली सदी के अंत में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार थी। साल 1999 में देश की GDP ग्रोथ 8% रही थी। तब भारतीयों की दुनिया में आगे बढ़ने की जो इच्छा सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी जैसे गाने में दिखी थी, वो हम है नए अंदाज क्यों हो पुराना के साथ 21वीं शताब्दी में और स्पष्ट हो गई थी। उस दौर में कई लोगों को लगता था कि भारत 2020 तक दुनिया की प्रमुख शक्तियों में से एक होगा। पूर्व भारतीय राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने भी भारत 2020 नाम की एक किताब लिखी थी, जिसमें भारत के स्वर्णिम भविष्य का अनुमान लगाया गया था। और अब भारत को विश्व की महाशक्ति बनते देखने करोड़ों भारतीयों का सपना सच होने वाला है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों की कतार में आया भारत। पिछले 20 सालों में भारत ने सर्विस, टेलीकॉम, ई कॉमर्स, आउटसोर्सिंग सेक्टर में काफी तरक्की की है और दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों की कतार में आ गया है। भारत साल 2023 में दुनिया के 20 सबसे ताकतवर देशों के सम्मेलन G20 की मेजबानी करने वाला है, लेकिन देश के महाशक्ति बनने का ख्वाब पूरी तरह सच्चाई में नहीं बदले हैं। 2020 में आई कोरोना महामारी ने भारत पर मंडराते संकट के बादलों को और गहरा दिया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कहना है कि भारत की अर्थव्यवस्था 2020-21 में 10% तक सिकुड़ जाएगी, लेकिन ये बुरी स्थिति ज्यादा देर तक नहीं रहेगी। IMF के मुताबिक ही 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था की ग्रोथ फिर से 8.8% हो जाएगी। अमेरिका को पीछे छोड़ देगा भारत। इतना ही नहीं, PwC की रिपोर्ट द वर्ल्ड इन 2050 के मुताबिक भारत अगर अगले 30 सालों में 5% की दर से भी तरक्की करे तो दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था होगा और यह अमेरिका को पीछे छोड़ देगा। 2050 तक भारत की अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया की करीब 15% होगी। अमेरिका की अहमियत कम होने के साथ वैश्विक व्यवस्था में एक भरोसेमंद ताकत के लिए जगह भी खाली है। भारत उस स्थान को भर सकता है। चीन ने 1978 में ही दूरगामी तैयारियां शुरू कर दी थी। उसने ग्लोबलाइजेशन का सबसे ज्यादा फायदा उठाया, लेकिन कोरोना के बाद दुनिया की सोच बदली है। कई देशों को चीन से अलग रहने में ही अपनी भलाई दिख रही है। भारत के लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और पारदर्शिता जैसे मूल्य पश्चिमी देशों के साथ मेल खाते हैं, इसीलिए ये देश निवेश के लिए चीन की बजाय भारत को तरजीह देंगे। भारत चीन से छीन सकता है सबसे अच्छे ग्रोथ इंजन का तमगा। कोरोना काल में चीन की सरकार पर प्राइवेट कंपनियों के कामकाज में हस्तक्षेप करने और उनके यूजर्स के डेटा पर नजर रखने का आरोप लगा है। इससे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान से चीनी संबंध खराब हुए हैं। ऐसी हालत में भारत बेहतर रिटर्न का वादा कर दुनिया भर के निवेशकों के लिए एक अच्छा विकल्प बन सकता है। वेदांता में चीफ इकोनॉमिस्ट और नीति आयोग के पूर्व सलाहकार धीरज नैयर कहते हैं, वर्तमान में भारत चीन से 2 कदम आगे निकलकर दुनिया का सबसे अच्छा ग्रोथ इंजन बन सकता है। पहले से ही बड़ी सैन्य शक्ति। सैन्य शक्ति की बात करें तो ग्लोबल फायर पावर के अनुसार सैन्य शक्ति इंडेक्स में भारत चौथे स्थान पर है। पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः अमेरिका, रूस और चीन है। इसके अलावा भारत अगले 2 साल तक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य भी रहेगा। भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र में सबसे ताकतवर मुल्कों में से एक है। इस इलाके के देश दुनिया की कुल GDP के 7% के लिए जिम्मेदार है। दुनिया में होने वाले कुल व्यापार का करीब आधा सिर्फ इसी इलाके में होता है। भारतीय नौसेना का यहाँ अहम रोल रहता है। अमेरिका, फ्रांस और इटली जैसे देशों ने रक्षा क्षेत्र में भारत के साथ खड़े रहने की जो प्रतिबद्धता दिखाई है, उससे भारत को और मजबूती दी है। यही वजह है कि चीन जैसा मिलिट्री में एडवांस देश पूर्वी लद्दाख बॉर्डर पर गहमा गहमी के बाद भी भारत से सीधी टक्कर से बचता है।